नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आपको मैं आज जो है एक अहम खबर बता रहा हूँ कि हरियाणा कौशल निगम के तहत जो सीएम साहब ने जो सैलरी बढ़ाई थी तो किस किस ज़िले में कितनी कितनी सैलरी बढ़ी है उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि कितनी कितनी जो सैलरी बढ़ाई गई थी तो वो ज़िले वाइज दी गई हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कर्मचारी लगे हैं, जिस जिस पद पर लगे हैं, उस पद के हिसाब से जो उनकी सैलरी जो है बढ़ाई गई है और 8% की बढ़ोतरी है उसमें कैसे बढ़ी है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर कच्चे कर्मचारी का वेतन बढ़ा और प्रत्येक महीना मिलेगा उनको 2150 रुपये तक का लाभ। मतलब ये मैक्सिमम है, किसी का कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो यहाँ पे उस सैलरी के हिसाब से है। अब जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे कर्मचारी की, और जो पुराना वेतन मान लो जिसका 18,000 लेवल फर्स्ट की बात करें, जैसे हम लेवल अगर फर्स्ट की बात करें तो लेवल फर्स्ट में मान लो जिसका 18,400 था तो उनका 19,872 रुपये मिलेगा। और इसका लेवल टू था मान लो जिसकी 21,650 थी तो उसको मिलेगी 23,382। और जिसकी लेवल थर्ड था जिसकी 22,300 से ये पुरानी सैलरी है तो उसको मिलेगी अब 24,084। तो ये भारतीय मजदूर संघ के साथ बैठक में मुख्यमंत्री सैनी ने लगभग जो है 19,000 कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की जो है मांग की थी। 1,00,000 से 19,000 कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की मांग की थी, तो उनकी मांग को पूरा कर दिया गया, घोषणा उन्होंने कर दी है। ठीक है, अगर हम दोबारा इसकी नेक्स्ट स्टेप पे बात कर लीजिए पूरे, देखिए यहाँ पे मैं पूरा आपको दिखाता हूँ पूरा स्लैब जो श्रेणी फर्स्ट के श्रेणी सेकंड के। तो श्रेणी सेकंड की बात करें तो इसमें जो है दो ज़िलों में वेतन पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार और रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर और भिवानी और जींद, तो ये जो ज़िले हैं इन ज़िलों में जो बड़ा है वहाँ कर्मचारी जैसे लेवल फर्स्ट उसमें 16,250 था तो उसका 17,550 हो गया, और लेवल टू था जिसका 19,450 था वो 21,600 हो गया, और जिसका लेवल थर्ड था उसका 2,100 था उसका 21,708 हो गया। तो ये अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है उन्होंने बनाए हैं इस जो श्रेणी है इनमें सबका अलग अलग बड़ा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जैसे श्रेणी थर्ड है जिसमें ज़िला और महेंद्रगढ़, फतियाबाद, सिरसा, न्यू चरखी, दादरी, तो इनमें जैसे लेवल फर्स्ट था उसका 15,050 था उसका 16,254 हो गया, जिसका 18,300 था वो 19,764 हो गया। तो ये इस प्रकार से जो है सबका मानदेय जो उन्होंने बढ़ाया है। तो यहाँ पे क्या है कि हरियाणा सरकार ने जो कौशल के निगम लगे हुए कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, और 1 जुलाई से ही 1,19,000 से अधिक कर्मचारियों को 8% का वेतन मिलेगा। और सरकार के इस फैसले से लेवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो श्रेणी के कर्मचारियों को हर महीने लगभग 2150 रुपये का जो है फ़ायदा सभी को होगा। तो इसमें ये मैक्सिमम बताया गया है, इसमें कम ज़्यादा जो है अपने वेतन के हिसाब से, आपके समय के हिसाब से, उसके हिसाब से ये कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये सब का अलग अलग है। अब लेवल थर्ड के जैसे बात करें, मान लो ये ज़िले की बात करें, जैसे 19,900 था तो उसका 20,412 ये पिछले पेज पे रह गया था। तो ये जो है थर्ड लेवल का यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से सीएम साहब ने सबका बढ़ाया है। हालांकि कुछ कमेंट आ रहे थे कि क्या बढ़ा दिया, हम तो 20% की उम्मीद कर रहे थे, ठीक है 10% से ज़्यादा की उम्मीद कर रहे थे। हाँ, हालांकि पिछले साल कुछ ज़्यादा बढ़ा था, लेकिन अब सीएम साहब ने एक लिमिट में 8% सभी का बढ़ाया है। चलो जो बढ़ा दिया ठीक है, और सीएम साहब से जो है कुछ लोग खुश भी हैं और कुछ उनसे थोड़ा नाराज भी हैं कि हमारी ज़्यादा की उम्मीद थी और कम बढ़ाया। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है कमेंट करके बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।